हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से बहुत ही खूबसूरत ये क्रोशिया की डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए कितना प्यारा डिजाइन है ये। आज मैं इसी डिजाइन को आप सभी के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आए कि कैसे बना हुआ है। और हमारे चैनल को अगर अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। उस डिजाइन को बताना, देखिए ये देखिए। पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस तरह से धागे को लपेट लेंगे और इसको इस तरह से बनाएंगे। 1 2 3, तीन चेन लेकर देखिए। चार, ये चार चेन हो गया। अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया निकाल लिए, फिर एक चेन लेकर फिर हम डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर एक चेन लेकर फिर हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से फिर एक चेन लेकर डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ बनाना है ये डबल क्रोशिया। अब इसको हम इस तरह से खींच देंगे धागे को। ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ हो गया ये। अब यहां पर हम एक चेन लेकर इसको बंद कर देंगे। ये बंद कर दिए। अब यहां पर देखिए, एक दो तीन, यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। अब इसमें हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक दो तीन चार चार पांच छः सात, ये सात डबल क्रोशिया निकल गया। अब फिर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। फिर हम इसमें डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक दो तीन चार पांच छः सात, सात ये निकल गया। अब फिर यहां पर हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से। इसी तरह से पूरा हम यहां तक कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया। इस तरह से एक दो तीन चार, चार बनाना था। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टे के तरफ से इस तरह लेकर इसको इस तरह निकाल देंगे। अब यहां से हम दूसरा धागा जोड़ेंगे। दूसरा धागा जोड़ेंगे यहां से, देखिए ये
इस तरह से दूसरा धागा जोड़ लिए। अब इसको देखिए, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेकर हम फिर इसी में डबल क्रोशिया निकालेंगे, इसी में से डबल क्रोशिया निकालेंगे। फिर देखिए, 1 2 2 चेन लेकर फिर इसी में से डबल क्रोशिया निकालेंगे, फिर 2 चेन लेकर इसी के अंदर से डबल क्रोशिया निकालेंगे, इस तरह से। अब यहां पर 1 2 3 4 5, 5 चेन लेकर फिर अब हम यहां पर इसको निकालेंगे, इसमें से एक दो दो चेन लेकर फिर इसी के अंदर से निकालेंगे, फिर 2 चेन लेकर इसी के अंदर से निकालेंगे, इसी तरह पूरा रो हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हम इसको इस तरह से जोड़ लेंगे, अब इसको हम इसमें देखिए इस तरह से बनाएंगे, 1 2 3, और फिर डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसको लेकर 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 निकल गया। अब यहां पर सिंगल क्रोशिया निकालेंगे, फिर इसमें हम डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये निकल गया। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए, यहां पर हम इसको इस तरह बनाएंगे, 1 2 3, चौथे चेन में सिंगल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से, और फिर हम इसमें डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये निकल गया। फिर यहां सिंगल क्रोशिया, फिर इसमें हम डबल क्रोशिया निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा यहां तक। ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हम इसको लेकर इस तरह से जोड़ देंगे, इस तरह से। अब यहां पर हम दूसरा धागा जोड़ेंगे फिर। ये देखिए, अब यहां से दूसरा धागा इस तरह से जोड़ेंगे, एक दो तीन, 3 चेन लेकर फिर इसी के अंदर से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे, चार पांच, सॉरी 5 चेन लेना है, 5 चेन लेकर हम इसके अंदर से डबल क्रोशिया निकालेंगे इस तरह से, और फिर यहां पर 1 2 3 4 5, 5 चेन लेकर अब यहां पर हम निकालेंगे,
ये डबल क्रोशे निकल गया। फिर देखिए एक दो दो चेन लेकर फिर इसी में से हम डबल क्रोशे निकालेंगे, फिर दो चेन लेकर इसी के अंदर से डबल क्रोशे निकालेंगे, फिर दो चेन लेकर इसी के अंदर से डबल क्रोशे निकालेंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन लेकर फिर अब हम यहाँ पर निकालेंगे इस तरह से। फिर देखिए एक दो दो चेन लेकर फिर इसी के अंदर से हम निकालेंगे डबल क्रोशिया। फिर अब यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच, पाँच चेन लेकर अब हम यहाँ पर निकालेंगे एक दो दो चेन लेकर फिर इसी के अंदर से निकालेंगे, फिर दो चेन लेकर इसी के अंदर से निकालेंगे, फिर दो चेन लेकर इसी के अंदर से निकालेंगे। ये देखिए ये इसी तरह बन के पूरा कंप्लीट हो गया यहां तक। देखिए ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया यहां तक। अब हम इसको यहां पर जोड़ देंगे, लेकर इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। ये हो गया। अब यहां पर देखिए एक दो तीन, अब फिर इसमें हम सात बुनेंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पांच छः सात, सात ये डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर देखिए एक दो तीन चार, चौथे में हम सिंगल क्रोशिया इसको इस तरह से बुनेंगे, फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छः सात। अब फिर यहां पर इस तरह बुनेंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया बुनेंगे एक दो तीन चार पांच छः सात, सात ये बन गया। अब फिर यहाँ पर ये देखिए एक दो तीन, चौथे में हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे इसको इस तरह से। अभी पूरा रो इसी तरह बन के कंप्लीट होगा यहां तक। ये देखिए ये पूरा बन के कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हम इसको इस तरह से ऐड कर लेंगे। इस तरह से और ये कंप्लीट हो गया। बन के तैयार हो गया। देखिए कितना खूबसूरत ये डिजाइन है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को जरूर पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्वस्थ रहे, खुश रहे। फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिजाइन लेकर आप सभी के साथ।